नमस्कार, आप लोग जेके मीडिया देख रहे हैं। आप सभी को मेरी तरफ से राम राम। अभी हम एक लाइव डिबेट में हैं और इस लाइव डिबेट के ज़रिए हम एक बहुत बड़ा इशू है, जो एक बड़ा बर्निंग इशू है जम्मू कश्मीर का, उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। डिबेट हम ये जम्मू से कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि मेरे साथ कश्मीर के भी हमारे जो भाई बहन हैं वो जुड़े, क्योंकि ये पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का कंसर्न है और ये कंसर्न है हमारी जो डेंटल डॉक्टर्स की स्ट्रीम है, दांतों के डॉक्टर, उनके लिए किसी तरह की सरकार द्वारा नौकरियों के बारे में नहीं सोचा जाता। आपको याद होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू जी का जो मेरा एक इंटरव्यू था, उनसे भी मैंने ये बात की थी कि 2008 के बाद आज तक जो है डेंटल्स की कोई भी जो डेंटिस्ट हैं उनकी कोई भी नौकरी नहीं निकली है। तो आप सभी से मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो में अपना कमेंट लिखें और सरकार को मजबूर करें कि भाई नौकरियां निकालें। अगर एक छोटी सी बच्ची, बच्चों के लिए क्लास का एक बर्डन है, जो क्लासरूम का जो क्लास वर्क होता है उसको कम करवा सकती है, तो मेरे ख्याल से जितने भी डेंटिस्ट हैं उनके बच्चों की भी बात वो कई बार सुना चुके हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन आज तक सुनी नहीं गई है। ये सभी डॉक्टर्स हैं मेरे साथ, मैं इन सभी से बात करूंगा। पहले मैं शुरुआत करता हूँ राहुल कोल जी से। राहुल जी, अपने बारे में बताइए कि कितनी प्रॉब्लम्स डेंटिस्ट को आती है, क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है एक बड़ा ही महंगा प्रोफेशन है। मतलब अगर आपको अपना प्राइवेट काम भी शुरू करना हो तो आपको इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, उस इन्वेस्टमेंट को देखते हुए कितनी परेशानी आती है अगर नौकरी भी ना हो। सर थैंक यू। पहले सर आपका आशीष कोहली का जो आपने हमारी बात रखी यहाँ तक। सर प्रॉब्लम ये है कि सर पहले जब हम BDS करते हैं सर पहले हमें नीट क्लियर करना पड़ता है। सर उसके बाद अगर MDS के जाए वहाँ भी नीट क्लियर करना है। सर फिर रजिस्ट्रारशिप के लिए जाना है सर वहाँ भी हम एग्ज़ाम क्लियर करना है। सर अलग आपको अपनी थीसिस देनी पड़ती है, 10 चीज़ें देखनी पड़ती है, उसके बाद आपको वहाँ पर रजिस्ट्रारशिप मिलती है, वो भी सर 1 या 2 सीटें टोटल है। अब सर कोई जाएगा क्लिनिक की तरफ, सर क्लिनिक सेटअप करने के लिए कम से कम भी आपको 10 लाख 12 लाख का सेटअप चाहिए आज के टाइम पे जो है। पहले सर शॉप ले लो, उसका अलग सेटअप करो, फिर सर वहाँ का इंटीरियर करो सर, फिर वहाँ की चेयर्स मंगाओ, इंस्ट्रूमेंट्स सर इतने महंगे मिले, लेजर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट बहुत महंगे आते हैं। सर हर बच्चे का ये नहीं है सर, सबके मतलब कि सबके इतना बैकअप नहीं है इस टाइम कि सर वो प्राइवेटली इतना फंड इकट्ठा करके लगाए, बाद में सर वो चलना भी चाहिए, ऐसा नहीं सर लगेगा बाद में। ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी डेंटल सर्जन है इस टाइम हमारे, सर पूरा भरा हुआ है। सर उसके बाद एक नया आता है ग्रेजुएट होके, वो अपना डेंटल क्लिनिक सेटअप करेगा, 10 लाख 15 लाख रुपए का पूरा सेटअप स्टार्ट करेगा। सर उसके पेशेंट्स उसको फ्लो लाना, वो रिकवर करना पैसा सर बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे हमारे लिए सर। और ये कब से चलता है सर, 2008 में लास्ट टाइम हमारे लिए पोस्टें आई थी जो JKS, उसके बाद आज 13 साल हो गए सर। 13 साल छोटा टाइम नहीं होता है, 13 साल तक एक भी पोस्ट JKS ने नहीं दी हमको। NHRM ने दी थी सर 2016 में दी थी, वो भी कैंसिल कर दी गई बिकॉज ऑफ स्टे आया क्या आया, वो भी सर कोई डेंटल पोस्ट नहीं थी, नॉन डेंटल प्रोफेशन फील्ड ऑफिसर की जॉब थी, 20-25 हज़ार 25,000 की सैलरी दे रहे थे वो भी सर कैंसिल कर दी गई, वो भी नहीं आई। हमारे सीनियर्स लड़ चुके हैं 2014 में सर, इवन बेहोश हो चुके हैं, हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं इसके लिए सर, तब भी एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी बात नहीं सुनी। बिल्कुल, मैं राहुल जी मैं फिर से आपसे बात करूंगा। डॉक्टर वासु, मैं आपसे भी बात करना चाहूंगा। ये जो पूरा इशू है आप लोगों का, और क्यों सरकार को आपकी आपकी ये स्ट्रीम नज़र नहीं आती, अगर उनको आपको नौकरी देनी ही नहीं है तो फिर क्यों कोर्सेज ओपन किए हुए हैं, क्यों बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ के बच्चे जो हैं लाइन में लग जाते हैं कि उनको नौकरी कभी लगेगी, उनकी मिलेगी सर मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इस परेशानी से जितने भी डेंटल हमारे सर्जन्स हैं वो अपनी स्ट्रीम चेंज कर रहे जा रहे हैं सर। कोई सर JNK बैंक का भी पोस्टें निकाली थी उनमें चले गए हैं, कोई हॉस्पिटल मैनेजमेंट में जा रहे हैं, मतलब अपनी ड्रीम छोड़ के और दूसरी ड्रीम में जा रहे हैं। मतलब एक डेंटल सर्जन, मतलब एक डॉक्टर, डॉक्टर की ड्रीम छोड़ के आप दूसरे प्रोफेशन में जाएंगे। एक माँ बाप ने आपको इतना पैसा लगा के एक डेंटल सर्जन बनाया, डॉक्टर बनाया सर, डॉक्टर की अहमियत बहुत है, तो वो डॉक्टर की अहमियत हम एकदम डाउन कर जा रहे हैं। मतलब हर एक जगह से जम्मू कश्मीर हमें यू टर्न ली जा रही है। अभी DRDO से भी एक लेटेस्ट आया था कि 70, वो मजाक हो गया कि 70 पोस्ट निकाल के 35 डेंटिस्ट, मतलब कि डेंटल सर्जन्स को दी जाएंगी, 35 मेडिकल ऑफिसर्स को, वहाँ पे इन्होंने यू टर्न मार के सारी MBBS को दे दी। अभी 35 आपके जम्मू वालों ने दी, 35 दी कश्मीर वालों ने। तो मतलब हम, और पिछले साल 2019-20 की बात करूँगा, उसमें भी 900 पोस्ट निकाली थी मेडिकल ऑफिसर्स की। मतलब कि हमारे डेंटल सर्जन के बारे में कोई नहीं सोच रहा कि एक हम, मतलब कि हम परेशान हो चुके हैं कि हम क्या करें आगे, कि हमें एक, हमारी भी एक लाइफ है, हमें इतने हमारे माँ बाप ने इतने पैसा लगा के हमें पढ़ाया लिखाया, अब हम आगे अगर बोलेंगे क्लिनिक खोलें तो क्लिनिक तो सर मतलब कि हमें एक मजाक उड़ाया जा रहा है कि एक सैलून, सैलून जो भी सैलून होता है और एक डेंटिस्ट में कोई फ़र्क, हर गली गली खुल गया है सर। तो सर हम
बिल्कुल परेशान हो रखे हैं कि हम कि आगे सेटअप, मतलब कि अब हर एक के माँ बाप को इतना पैसा तो है नहीं कि इतना 10-12 लाख लगा के और डेंटल मतलब कि आपको एक सेटअप करके दे। हमें भी एक है कि चलो नौकरी मिल जाए, नौकरी भी एक सर एक अहमियत रखता है। तो मैं तो एलजी सर से यही बोलूँगा कि सर आप जेके एसएसबी की पोस्ट वगैरह दे रहे हैं, सबकी पोस्ट दे रहे हैं, जेएंडके बैंक की आपने पोस्ट दी है, तो हम डेंटल सर्जन के लिए भी सर सोचिए सर। ओरल हाइजीन आज की डेट में सर बहुत अहमियत रखता है सर, और एक बिल्कुल कोविड करके भी आप ओरल हाइजीन अगर बेटर मेंटेन रखेंगे तो 80-90% रिस्क कम हो रहे हैं सर इससे। तो बिल्कुल, मैं बड़ी अच्छी बात की आपने। डॉक्टर रॉबिन, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, कोविड के साथ साथ इस समय जो ब्लैक फंगस की भी जो प्रॉब्लम आ रही है उसको लेकर ईएनटी बड़ा लिंक्ड है उनमें, तो उनमें भी डेंटिस्ट का बड़ा रोल है, और हमारे यहाँ पर एपिडेमिक भी उसको घोषित कर दिया गया, एपिडेमिक डिजीज़ में 4 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। क्या अभी ज़रूरत नहीं है कि डेंटिस्टों को जो है उनकी हेल्प ली जाए, सरकार उनकी हेल्प ले? बिल्कुल सर, मैं यही चीज़ बोलना चाहता हूँ। जैसे आजकल ये ब्लैक फंगस जो हमारे यहाँ पे एपिडेमिक घोषित कर दी है, तो उस चीज़ के लिए डेंटल सर्जन की क्यों नहीं हेल्प लेंगे ये? क्योंकि इस चीज़ के लिए ज़्यादा डेंटल सर्जन ही काम आएगा इनके, क्योंकि ये माउथ रिलेटेड एंड ऑल दैट है। और इस चीज़ के लिए तो ये भी आया है कि क्लोरोहेक्सडीन जैसे माउथ वॉश करते, ये तो डेंटिस्ट के ही काम है। तो तब भी हमारे को ये गवर्नमेंट हमारी कोई वो सपोर्ट नहीं कर रही इस चीज़ में। जैसे कि इन्होंने बोला कि डीआरडीओ, उस चीज़ में भी हमारे साथ एक मजाक कर दिया इन्होंने। हम गए थे जीएमसी प्रिंसिपल के पास मिलने, डॉक्टर राहुल और मैं गए थे, और डॉक्टर मेघना भी थे, और भी थे हमारे डेंटल सर्जन। उन्होंने हमारे को जस्ट बोला कि आपके लिए निकलेंगी पोस्टें, बट वो पोस्टें आई नहीं आज तक। वो सारी पोस्टें इन्होंने मेडिकल ऑफिसर्स एमबीबीएस को दे दी। तो हम कहाँ पे हैं फिर? डेंटल सर्जन कहीं स्टैंड ही नहीं करता है सर। यही चीज़ है, गुजारिश अब गवर्नमेंट से कि डेंटल सर्जन्स का कुछ सोचे ही है, क्योंकि 12 साल से जो पेंडिंग डिमांड है हमारी, वो चीज़ तो करनी है इनको कहीं से कहीं पूरी हमारी। बस यही चीज़ बोलूँगा। बिल्कुल, इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए सरकार को। और मेरे साथ और भी डॉक्टर्स हैं। मैम डॉक्टर पल्लवी जी, आप अपनी क्या बात रखना चाहेंगे, क्योंकि एक बड़ा ही महंगा कोर्स भी रहता है, बाद में क्लिनिक खोलना भी बड़ा महंगा है, आपके इक्विपमेंट्स काफ़ी महंगे रहते हैं, बाकी अगर स्ट्रीम से देखा जाए तो। मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि हम 2008 से लगे हैं, कितने प्रोटेस्ट हुए हैं, हमने बहुत ऑफिशियल्स को अप्रोच किया। हम रिसेंटली भी अभी गए थे, जब हम उनसे पूछते हैं वो हमें सीधे बोलते हैं कि आप क्लिनिक खोलो। आप सोचिए, हर एक का फाइनेंशियल स्टेटस उतना नहीं होता है कि वो क्लिनिक खोल सके, और एक उसमें पेशेंट बनाना, उसमें भी कितने साल है, मतलब कोई एश्योरिटी है कि हमने क्लिनिक खोला है तो पेशेंट आएंगे अभी? और मैं एक कहना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ पे कैंपेन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे वो स्लोगन ही इनकम्प्लीट लगता है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचा ली आपने, बेटी पढ़ा ली है, उसके बाद क्या? उसके बाद वो अपने पाँव पे खड़ी नहीं है, बेटी पढ़ के घर पे बैठी है, ये शायद इनका है प्लान। तो हमारे लिए बिल्कुल कुछ सोचा नहीं जा रहा है। हम हर एक दरवाज़ा खटखटाते हैं पर कुछ नहीं होता है। अब आप देखिए, यही रिसेंटली कोविड हॉस्पिटल जो हमारे लिए हुए हैं, ये तो वही बात होगी कि बड़े को मिलेगा जो खाना बचेगा वो छोटे को मिलेगा। आप वहाँ पे नोटिफिकेशन में एक लाइन पढ़ सकते हैं कि वहाँ पे लिखा है कि एमबीबीएस वालों को मिलेगा, उसके बाद अगर बचेंगी वैकेंसी तो फिर आईएसएम या डेंटिस्ट को मिलेगा। तो हमें ये निग्लेक्ट, हमारे लिए हमेशा ये बिहेवियर रहा है, हमें कोई कहीं से कहीं भी डिपार्टमेंट में एडजस्ट नहीं किया जाता। आप बाकी सारी स्टेट्स देखिए, सब जगह कहीं ना कहीं है। अभी आप हर पीएससी निकालती है, बट यहाँ पे हम उनसे, इनफैक्ट अभी रिसेंटली लोकसभा में ये क्वेश्चन उठाया गया था, और ये ऑथेंटिक न्यूज़ है कि हमारे पास डाटा भी है कि वहाँ पे कुछ पोस्ट हैं, जब हम पूछने गए तो उन्होंने कहा ये आप, उन्होंने डिनाई कर दिया, और उन्होंने कहा सिर्फ 20-30 पोस्ट हैं, वो भी 20-30 पोस्ट डॉक्टर आलोक उन्होंने, कुमार हाँ डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने ये क्वेश्चन वहां पे रेज किया था अरविंद कुमार लोकसभा में, और डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा। शर्मा ये हमारे पास पूरे प्रूफ है, बिना प्रूफ के हम नहीं कह रहे हैं, बट वहां पे भी कोई, उन्होंने हमें डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा सिर्फ 20-30 पोस्ट हैं, बट वो भी संभाल के रखी हैं, कोई रेफर नहीं कर रहा। हम ये नहीं कहते कि एक साथ आप सारे लगा दो, बट फेस मैनर में लगाओ। इतना बल्क हो गया है डेंटिस्ट का, बट कोई सुन नहीं रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। हम बिल्कुल हताश हो चुके हैं,
तभी हम एलजी साहब से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि प्लीज़ हमारी बात सुनिए, प्लीज़ हमारी पेन को समझिए कि हम किस से गुजर रहे हैं। बिल्कुल डॉक्टर अरुण, मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अरुण सिंह जी। डॉक्टर साहब, अगर पोस्टें ही नहीं देनी 2008 से, तो लगातार बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं डेंटिस्ट्री की, बच्चे डेंटिस्ट बन के आते जा रहे हैं, पोस्टें हैं नहीं है, ये सेम हिसाब हो गया इंजीनियर्स का, लेकिन फिर भी इंजीनियर्स को चार चार पाँच पाँच साल के बाद थोड़ा रिलीफ मिलता है, लेकिन आप लोगों के लिए क्यों, और अगर ऐसा है तो फिर क्या डेंटिस्ट कॉलेज, डेंटल कॉलेज बंद हो जाना चाहिए? देखिए सर, मैं बोलना चाहता हूँ कि पहले तो 50 सीट थी यूजी की जम्मू में, 50 सीट थी श्रीनगर में, अब इन्होंने क्या किया कि 63 सीट यूजी की इधर कर दी जम्मू में और 63 श्रीनगर में कर दी। आप एक सर्वे कर लो, आप देख लो कि डेंटल सर्जन जो आते हैं हर साल क्या 63 इधर 63 श्रीनगर में आते हैं? आप देख लो, मैक्सिमम मुझे लगता है 30-40 एडमिशन लेते हैं, वो भी इसलिए एडमिशन लेते हैं कि वो डेंटल हॉस्टल में रहेंगे, वहाँ पे साल दो साल फिर तैयारी करेंगे और फिर वो MBBS का एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। तो आप हर साल ग्रेजुअली वो देखोगे कि अगर 40 सीटें मतलब 40 एडमिशन BDS की हो गई हैं, तो आप अगले साल देखना वो 30 रही होंगी, उससे अगले साल देखना वो 15 रही होंगी, उससे नेक्स्ट ईयर में देखना वो 5 या 10 बच्चे इतने बचे होंगे। तो सर मतलब ऐसी क्या वो मजबूरी उनको कि वो निकल रहे हैं यहाँ से? गवर्नमेंट को क्या ये पता नहीं चल रहा कि हमारे बच्चे क्यों ये छोड़ रहे हैं? मतलब तो उनको पता है ना कि आगे वो एब्जॉर्व नहीं कर पा रहे हमारे बच्चों को, ठीक है, उनके पास कोई प्रॉपर प्लान नहीं है कि हम अपने ये जो हम डेंटिस्ट निकाल रहे हैं इनको एब्जॉर्व करें, तो बच्चों ने तो निकलना ही है, वो कहाँ जाएंगे? तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट हमारे फ्यूचर के साथ खेल रही है। तो आधे बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं, बोलते हैं क्लिनिक खोलना है, क्लिनिक के लिए पैसे नहीं है, है? किसी बड़े ऑफिसर के पास जाओ कुछ बात रखने के लिए, वो बोलते हैं पेरीफेरी में जाके क्लिनिक खोलो। सर हम क्यों खोले पेरीफेरी में जाके क्लिनिक? हमने यहाँ पढ़ाई की है, अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, अब बोलते हैं माँ बाप को छोड़ के आप पेरीफेरी में जाके क्लिनिक खोलो या बाहर जाके जॉब करो, हम क्यों करें? हमने तो जो पढ़ाई की है, जो किया है 10 साल तक मेहनत की है, हमें तो उसका फल मिलना चाहिए ना। क्लिनिक मतलब हम क्लिनिक के लिए तो बने नहीं है, हमने 10 साल मेहनत की है, तो हम चाहते हैं कि हम सर्व करें, अपने स्टेट को सर्व करें, लेकिन सर हमें कोई मौका नहीं मिल रहा इसका। सर कोई लास्ट कमेंट आप देना चाहेंगे? सर मैं तो यही कहना चाहूँगा कि LG सर को भी और हमारे डिजिटल इंडिया ऑफ न्यू इंडिया श्री नरेंद्र मोदी सर को भी कि सर आप J&K के लिए आपने नई UT बनाई है, तो आपने बोला था वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह सब रहेंगी, तो प्लीज़ सर एक हमारे डेंटिस्ट के बारे में ज़रूर सोचना कि आपको एक बड़ा एक लाइन दे दिया कि डिजिटल मैन ऑफ न्यू इंडिया, कोई मिसाइल मैन था कोई कुछ था, बट आप डिजिटल मैन ऑफ न्यू इंडिया सर, आप तो आप अगर डिजिटली सब देख रहे हैं तो प्लीज़ सर एक डेंटल सर्जन के लिए भी प्लीज़ कुछ ना कुछ सोचिए सर कि हम एक ऐसी स्थिति में आ रखे हैं कि हम ना हम पीछे जा सकते हैं ना हम कोई आगे का सोच सकते हैं, कोई स्कोप नहीं हमारे पास कुछ बचा सर, हम अपनी डेंटिस्ट्री लाइन ही आगे जाना चाह रहे हैं, तो हम ये नहीं चाहते कि हम अपनी लाइन चेंज करके कुछ और स्ट्रीम पकड़ लें, अपनी ड्रीम छोड़ दें सर, हम एक माँ बाप ने हमें एक अपना सपना पूरा करने के लिए हमें भी और अपना पूरा करने के लिए भी एक मेहनत की थी, तो प्लीज़ सर प्लीज़ पे गौर कीजिए। बिल्कुल ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिबेट है और मैं चाहूँगा कि आप लोग अगर इस डिबेट को बाद में भी देखें तो अपना कमेंट ज़रूर करें, और जितने भी लोग डेंटल इस प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप ट्विटर पे हैं तो मनोज सिन्हा जी को टैग करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टैग करें, ताकि उन तक ये बात पहुँचे। अगर मनोज सिन्हा जी एक छोटी सी बच्ची की बात सुन सकते हैं तो ये तो काफ़ी सारे हमारे डेंटिस्ट हैं जिनके आगे परिवार भी हैं, उनके आगे बच्चे भी हैं, उनकी भी बात सुनिए, उनको भी कुछ नौकरी करने का मौका दें। मेरी ये एक बार फिर से गुजारिश है, सरकार से अपील है कि PSC जल्द से जल्द और नौकरियां निकालें जो कि सिर्फ डेंटिस्ट प्रोफेशन की हों, ताकि इन लोगों को जॉब मिल सके और ये लोग भी अपना गुजारा कर सके, क्योंकि आजकल बड़ा महंगा है क्लिनिक खोलना, बड़े महंगे इनके इक्विपमेंट्स हैं, और गवर्नमेंट भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि इस प्रोफेशन में जॉब्स होनी चाहिए तो J&K में क्यों नहीं है, इसका जवाब यहाँ तो सरकार ही दे। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, धन्यवाद आपका, राम राम।